नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डीवीडी किट में पेन ड्राइव रन करने के लिए कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको नॉर्मली एक बार इस बोर्ड में पावर देके दिखाऊंगा कि ये पेन ड्राइव को रन कर पा रहा है या नहीं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें पावर देना है, तो चलिए पावर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एलमीटर की मदद से मैं इस बोर्ड में 5 वोल्ट दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी पेन ड्राइव में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव रन करने के लिए इस बोर्ड में जो कनेक्शन है उसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना है, अगर आप इस बोर्ड से केवल पेन ड्राइव ही चलाना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको सिर्फ पेन ड्राइव ही चलाना है, तो ये चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए कनेक्शंस को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ग्राउंड और इनको भी शॉर्ट करना पड़ेगा आपस में कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो SW और ग्राउंड, इसको भी आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन कर दिया है, तो चलिए इसे पावर देते हैं। तो पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, तो चलिए इसे पावर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने पावर दे दिया है, आप देखते हैं पेन ड्राइव में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल आ गया है और लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये डीवीडी बोर्ड पेन ड्राइव को रीड कर पा रहा है। मैं आपको एक बार इसकी पीछे की कनेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।